वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज साडे पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हैगी है, तो असी मस्तुआना साहब विखे इकत्र होए हैं। कल इलाके लिए एक बहुत बड़ा दिन सीगा, कल सरदार उधम सिंह जी की शहीदी दिहाड़ा मनाया गया सीगा सनाम विखे। हुण जिहड़े संगरूर दे जिले दे ते सनाम दा जिन्ना पढ़िया लिखिया वर्ग है, जिहड़े लोग समाज दे इशूज़ बारे जानू हैगे है, लोगों दीआं दुख तकलीफां बारे जानू हैगे है, ते जिहड़े आम गरीब अनपढ़ लोग भी हैगे है, जिहड़े पीड़ित हैगे है इस समय, क्योंकि हड़ां दी मार पई हुई है साडे इलाके च, होर बेरोज़गारी दी मार हैगी है, उन्हां सारियां दी बहुत बड़ियां आसां सीगियां, क्योंकि कल मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान साहब इत्थे आए सीगे सनाम च शहीद उधम सिंह जी दे शहीदी दिहाड़े ते। उत्थे मुख्यमंत्री साहब ने लोकां नूं बड़ा हसाया ते तालियां ठुकवाईयां, पर उन्होंने इलाके वास्ते कोई काम नहीं किया। हुण उत्थे अज जिहड़ी गल सब तो मेन है वो ये है कि साडा सारा लहरा इलाका हड़ां नाल पीड़ित हैगा, 50 तो 60 पिंड साडे पानी दे मार च हैगे है, घग्गर साडा थां थां तो टुट चुकिया, तो उस इलाके दे सारे जिन्ने जिमीदार हैगे है, खेत मजदूर हैगे है, जिहड़े खेती नाल संबंधित हैगे है लोग, उन्हां लोकां दी बहुत बड़ी मंग सीगी ते आस सीगी मुख्यमंत्री साहब तो कि वो घग्गर नहर की जिहड़ी जिहड़े बंद हैगे है उन्हां दी उसारी वास्ते ते उन्हां बंदां नूं तकड़ा करन वास्ते कोई ना कोई प्रोजेक्ट लीक करके जाणगे, पर परवाह नहीं कीती। ते मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि ये तां कुदरत दी मार है, तो ये कुदरत दी मार कदी भी पै सकती है, तो ओपोजिशन पार्टियां इनू मसला बना रही हैं। हुण सानूं सारिआं नूं पता है कि अजकल मीह दा मौसम है, बारिश पैंदी है, पर जिहड़ा एक घग्गर टुट्टिया थां थां तो, हुण साडा भाखड़ा डैम है 1948 ते ये डैम बनना शुरू होया सी, अज तक इस डैम च कदी क्रैक नहीं आया, तो ये साडे मुख्यमंत्री दी निगरानी हेठ ये जिम्मेवारी बनती सी कि सारे नहरां दी उसारी कीती जावे, सही टाइम ते नहरां ते प्रबंध किए जान, उन्हां नूं तगड़ा किया जाए, क्योंकि साडी घग्गर नहर थां थां तो टुट के ये लहरे दे 50-55 पिंडां नूं तबाह कर चुकी है। हुण उत्थे पिंडां च जिमीदारां दे खेतां च 2-2 फुट रेता इकट्ठा हो गया, हुण उह रेते नूं कढाउण वास्ते गंदे पाणी दी निकासी वास्ते टैणियां आ गईआं हैगीआं लोकां दे खेतां च, उहदा प्रबंध करवाउण वास्ते पेट्रोल दा, डीजल दा, ट्रैक्टर ट्रॉलियां दा प्रबंध करवाउण वास्ते कोई चीज़ किसी चीज़ दी सहायता इस मुख्यमंत्री ने नहीं दित्ती। लोकां नूं आस कल दे दिहाड़े तो बहुत बड़ी ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ PGI ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਨਾਮ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ,
मेडिकल कॉलेज का, ये डिग्री कॉलेज मेडिकल कॉलेज ही हैगा। तो इस मेडिकल कॉलेज बारे क्योंकि हुण तां मस्तुआणा साहब कमेटी ने भी कहता है कि असी जमीन छड्डन नूं तैयार है तो आके आपका कॉलेज का काम शुरू करो, तो इन्होंने मस्तुआणा साहब डिग्री मेडिकल कॉलेज बारे भी कुछ नहीं कहा। तो उस तों बाद साढ़े सुनाम च दो पुल हैगे है, वह पुल भी चलते नहीं है, वो पुल पुल्स का काम सारा रुकया पिया है, तो उत्थे गड्डियां जा नहीं सकती। उहदे बारे भी मुख्यमंत्री साहब ने कोई गल नहीं की। मेरा कहने का मतलब है कि इहोजा ड्रामा करके गए हैगे है, नाटक करके गए हैं, तो मैं समझदा जिहड़े लोग उन्होंने उत्थे बह के देखते हैं, तालियां बजाते हैं, हसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो आने वाली पीढ़ियां का दी नसलकुशी दे जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये इत्थों दा मुख्यमंत्री है ते तुसी इत्थे दे रहण वाले लोग हो, थोड़ियां इत्थे वोटां बनियां, तुसी बह के हसी जांदे हो, तालियां ठोकदे हो, फिर जदों चल पड़दे ने फिर तुसी पिठ पिछे गालां कढ़दे हो। असी लोग भी बहुत कसूरवार हैगे है। कल उत्थे शहीद उधम सिंह दे परिवार ने गालां कढ़ियां, उन्होंने कहा कि साढ़े परिवार दे दी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने डीसी साहब एसएसपी साहब तो कोशिश की कि वह मुख्यमंत्री साहब नूं मिल लैन, पर जिवें मूसे वाले दे प्यो नाल वर्तारा चंडीगढ़ किया सीगा उदां ही शहीदां दे परिवार नाल इत्थे वर्तारा किया गया। साडी पार्टी मानदी है कि ये शहीदां नाल ते शहीद परिवारां नाल ये शहीदां दा अपमान करन ते लगी हुई है सरकार। लोगों नूं बहुत बड़ियां आसां सीगियां क्योंकि शहीदां दी तस्वीरां ते इस सरकार ने राज सत्ता हासिल की है। थां थां ते ये अड अड लोगों दीयां तस्वीरां वरतदे हैं, ग्राउंड ते सेंटिमेंट तैयार करदे हैं, सेंटिमेंट तैयार करके लोगों के दिल झोड़ के ये वोटां लैण दी कोशिश करदे हैं। ते तुसीं कल वरतारा देख लिया मुख्यमंत्री दा, उत्थे स्टेज ते खड़ के मजाकीय तौर पर मुख्यमंत्री कहिंदा नज़र आया कल कि मैं स्पैशल गुरदौरियाँ कराऊँगा, स्पैशल गुरदौरियाँ। जे थोनों याद होना मार्च महीने के अखीरले दिनों से तो अप्रैल के मूरले दिनों से मुख्यमंत्री वालों इत्थे आके इलाके च उस वेले इस इलाके च गड़ियां दी मार सीगी, गड़े मारी हुई सीगी, बहुत जमींदारां दे खेत तबाह होए सीगे। तो इन्होंने यही ऐलान किया जी स्पैशल गुरदौरियाँ करके जावांगे, कहा कि थोड़े खेतों से डीसी आऊगा, थोड़े खेतों से पुलिस आऊगी, थोड़े खेतों से पटवारी आएंगे, होर माल महकमे के सारे आएंगे, थोड़े खेतों से तहसीलदार आएंगे। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं पार्टी वालों पूछना चाहता है कि तुसी की सोच के रखा है कि साडे पिंडां च लोकां नूं पटवारियों नाल जां तहसीलदार साहबाना नाल जां डीसी साहबाना नाल फोटोआं खिचाउण दी इच्छा, जां उन्हां नाल बह के उन्हां नूं चाह पिआउण दी इच्छा। तुहानूं की लगता है कि तुसी कम नहीं करोगे, थां थां ते तुसी होर्डिंग्स लाओगे शहीदां दी तस्वीरां नाल, ते तुसी ऐलान कर दोगे जी स्पैशल गुरदौरी, थोड़े तक खेत आजू तहसीलदार, थोड़े तक खेत आजू डीसी। ते इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करता है आपकी स्पीच राही, जिमें लोगों ने आम लोगों अज तक डीसियां नूं मिलन का मौका नहीं मिलिया होवे, ते हुण डीसी आप थोड़े खेतों से आके थोड़े नाल फोटोआं खिचाऊगा। मेरा कहने का भाव यह हैगा कि इन्होंने कोई रुपया स्पैशल गुरदौरियाँ कराने तो बाद डीसी के खातों से नहीं भेजा, जिहड़ा अज जिमीदारां तक पहुँचया नहीं, तो हुण जदों हड़ां की मार पै गई तो हुण इत्थे आके मजाक करके गया कि जेदा जेदी कोई बकरी रुल गई या जेदी गां लै गई पानी च या जेदी मज लै गई पानी च जां होर मजाकी तौर पर कहिंदा जेदा कोई कुकड़ कड़ू लै गया पानी च उहदी कुकड़ दी भी मैं पैसे दूंगा। हुण मैं पुछना चाहुंदा भगवंत मान जी नूं कि तुसी गल्लां दा पड़ा बना के तुसी लोकां दे इमोशनस ते जज्बातां ते तुसी खेडदे हो, तुसी लोकां दे जज्बातां ते शहीदां दी फोटोआं वरत के तुसी आपकी सियासत खेडदे हो, थोनू महसूस हुंदा है कि पिंडां च जे डीसी साहब या होर कोई अधिकारी जाए आऊगा तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे, सैल्फियां खिचाउणगे। पर मैं थोनू दसना चाहुंदा
कि पिंडां 'च सिविल वॉर वाली स्थिति बन चुकी है, साडा जीना हराम होया पिया, असी पिंडां 'च हर पिंड 'च सेवा निभा रहे हैगी है, लोग अके हुए हैं, थोनू सतर्क होना पैना ते थोनू थोड़ियां बनदियां जिम्मेवारियां पूरी करनियां पैनियां। फिर उस तों बाद मुख्यमंत्री साहब कल शहीद उधम सिंह दे शहीदी दिहाड़े ते ये कहिंदे हुए नज़र आए, बड़ी टौर नाल गल कीती है उन्होंने, कहिंदे कि साढ़े पंजाब नू जदों दे असी राज सांभी है सानू सेंटर तो रुपया नहीं चाहिए, कहिंदे असी सेंटर सरकार अगे हाथ नहीं जोड़ांगे, कहिंदे साडी कौम सेंटर अगे हाथ जोड़ के पैसे लैण वाली नहीं हैगी। आ देखो इत्थे भी लोकां दे जज्बातां नाल एक खिलवाड़ कर रहे हैं, कहिंदे साडे कोले डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रुपया आया होया है, ते कल्ले कल्ले कुक्कड़ नू जिहड़ा किसी जिमीदार का कुक्कड़ भी मरिया होवे उहदे भी रुपये असी देवांगे। मैं उन्हां नू पुछना चाहुंदा मुख्यमंत्री साहब नू कि मुख्यमंत्री साहब तुसीं हैगे तां बड़े तिखे ठीक है, पर थोड़ा तिखापन हुण लोकां 'च नहीं चलना, क्योंकि लोग थोड़े तो भी ज़्यादा सियाणी है, इनफॉर्मेशन सारिआं तक पहुँचदी है। मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा जी तुहाडे कोल एडा पैसा हैगा ते कल्ले कल्ले पिंड 'च तुसीं गरीबां दे रैशन कार्ड क्यों कटवाए हैगे, हरेक पिंड 'च जिहड़े SC समाज नाल रंगरेटे समाज नाल पिछड़े हुए आर्थिक तौर ते लोग गरीब ने उन्हां दे 50-50 फीसदी पिंडां 'च रैशन कार्ड कट्टे गए हैं, जे एडा पैसा हैगा ते फिर वो पैसा बिलो पॉवर्टी लाइन जिहड़े गरीबी नाल मरे हुए लोग ने उन्हां नूं उपर चुक के तुसीं मिडल क्लास तक क्यों नहीं लैके आ रहे, तुसीं उन्हां दे रैशन कार्ड्स क्यों कट्टी फिरदे हो। जे थोनों सेंटर दे पैसे दी लोड नहीं ते तुसीं पुरानी मुलाजमां दी पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू करदे, जिहड़ा थोड़ा वायदा सीगा थोड़े केजरीवाल साहब थां थां ते सूबियां 'च जाके प्रचार करते हैं कि असी पंजाब 'च मुलाजमां दी पुरानी पेंशन स्कीम CPF लागू करवाती है, वो तुसीं लागू नहीं करवाई, वो तुसीं अखबारां 'च इश्तिहार दिता, हजे तक उहदी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। जे पंजाब 'च तुसीं खजाना एडा ज़्यादा भरता हैगा तो मैं थोनू पुछना चाहुंदा कि हुणे तुसीं हफ्ते पहला एक बहुत बहुत भयानक तुसीं एक नोटिफिकेशन कढ़ी है कि पंजाब सरकार दी जिहड़ी बुढ़ापा पेंशन स्कीम है, ये सुनन वाली गल है क्योंकि ये हरेक बजुर्ग की आमदन नाल जुड़ी हुई गल है, जिहड़ी बुढ़ापा पेंशन स्कीम ये कहिंदी सीगी कि 2.5 किले जिहदे कोले हैगे है जिमीदार बजुर्ग इंसान जिन्हां कोले 2.5 किले तो घट की जमीन है उन्हां दी आमदन साल की 60,000 रुपया होनी चाहिए है, फिर जाके ये पेंशनां लगनगियां। हुण इन्हां बजुर्गां दी मुख्यमंत्री जी पिछले 20-25 सालां तों पेंशनां लग रही हैं ते 60,000 वाला जिहड़ा तुसीं अड़ीका पाता वह लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जिहड़े बंदे कोले 2.5 किले जमीन है उहदी आमदन साल की घट तो घट 3 तों लैके 5 लख रुपया होगी, ये तुसीं एक होर अड़ीका पाता है, एक होर तुसीं एक कंध लाती है बजुर्गों वास्ते कि जिन्हां दियां पेंशनां लगियां भी हन वो पेंशनां भी सारियां पंजाब 'च बजुर्गों दियां बंद हो जाण। सो ये जिहड़ी चुल्हियां दी गल करदे सीगे कि चुल्हियां दी अग बज जूगी, ये हो जू वो हो जू, मैं हुण इन्हां नूं पुछना चाहुंदा कि तुसीं कर की रहे हो, जे तुहाडे कोले पैसा एडा ज़्यादा है ते तुसीं हुण हफ्ते 'च सारियां पंचायतां भंग करन लगे हो, तुसीं ब्लॉक समितियां सारियां भंग करन लगे हो, हड़ां नाल साडा सारा इलाका प्रभावित हैगा ते पिंडां 'च खड़ के फिर जिहड़ी चीज़ तुसीं स्पैशल गुरदौरी लागू करोगे वो पिंडां 'च कौन लागू करू तुहाडे लई, ये कोई समा हैगा इहो जिहा मजाक करन दा, ये कोई समा है लोकां दियां भावनावां नाल खिड़वाड़ करन दा। मैं किन्नियां गल्लां तुहानूं अज गिनवाईआं, चाहे होस्पिटल होवे चाहे मुलाजम होवे, हुण पंजाब दा एडा माड़ा हाल है आर्थिक तौर पर, कोई नवें कॉन्सटेबल की भर्ती नहीं हो रही पुलिस च, कोई नवें हेड कॉन्सटेबल्स की भर्ती नहीं हो रही, एक एक थानेदार नू 3-3 थाणियां का चार्ज दिता हुआ, कोऑपरेटिव महकमे की तुसी गल करो
एक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नू तीन तीन स्टेशन का चार्ज दिता होया। जे थोड़े को एडा पैसा भगवंत जी, तुसी फिर आप दियां बीबियां वास्ते, दूजियां तीजियां बीबियां वास्ते आ ना खरीदो, आ जिहड़ियां इत्थे पाई दियां या वो जिहड़े जुत्ते 3-4 लाख रुपये दे, तुसी वो पैसा आप दियां फोटोआं ते ना लाओ, क्योंकि तुसी पंजाब च जचदे नहीं। तुहानूं किहड़ा कोई भी बंदा पंजाब दा सोना नहीं समझदा। तुसी पंजाब दियां नज़रां च डिग चुके हो। आप तां काम करो ते शहीदां ते शहीद परिवारां नाल खिलवाड़ करना, उन्हां दा अपमान करना बंद करो। सानू संगरूर दे लोकां नूं बहुत दुख होया, जिहड़ा कल तुसी एडी पीड़ित समझ के आ के तुसी इत्थे प्रोग्राम एडा इतिहासिक करके गए हो, एडे इतिहासिक परिवार नूं तुसी नकारिया है। ते शर्म दी गल है कि तुसी साडे मुख्यमंत्री हो। इन्हां गल्लां ते जरूर गौर करियो, क्योंकि ये फोटोआं दी सरकार नहीं हैगी, ये तुसी इनकलाब लियाउण दी गल करदे सीगे। याद रखो ये सारियां गल्लां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।